गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन से मुंसलिक पार्क में खेलों का इस्तेमाल किया गया। खसूसी बच्चों ने 50 मीटर रेस, रुकावटों की दौड़, मेंढक रेस और थ्री लेग रेस में हिस्सा लिया, जबकि इनकी माओं के दरमियान चाटी रेस कराई गई। खेलों के इनका पर बच्चे बहुत खुश दिखाई दिए। खेलों की दिलचस्प बात यह थी कि इसमें शरीक तमाम बच्चों को ही फातिया करार दे दिया गया। स्कूल की प्रिंसिपल का कहना था कि सेहतमंद तफरीही सरगर्मियों से बच्चों के इत्माद में इजाफा होता है। पेरेंट्स देख रहे हैं इन्हें कंपटीशन में, अपने बच्चों को देख रहे हैं तो उनका बहुत हौसला बुलंद हो रहा है। ये कल मे बी इनमें से कोई बच्चे एथलीट्स निकल आए, मे बी इनमें से कोई नेशनल लेवल पे चले जाए। ये जो गेम्स है, ये जो खेले हैं, ये जरूर जो है ये करवानी चाहिए। इन मुकाबलों के मेहमान ने खसूसी पंजाब एथलेटिक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सलमान इकबाल भट्ट ने खसूसी बच्चों के लिए खेलों के इनेकाद पर इंतजामिया के इकदाम को सराहा। हमारा मेन स्ट्रीम की एथलेटिक्स और स्पोर्टिंग एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है, उतनी अहमियत इस स्पेशल एजुकेशन की, स्पेशली जो फंक्शन आज हो रहा है डेफ के हवाले से, इसकी भी है, क्योंकि ये बच्चे भी मेन स्ट्रीम में आते हैं और मेन स्ट्रीम में ये आते हैं स्पोर्ट्स के ज़रिए। इनको भी अपनी एबिलिटीज़, जो कि इनकी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ हैं, उनको उजागर करने का एक मौका मिलता है, एक शोकेस करने का मौका मिलता है, और ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत अच्छा पहलू है। खसूसी बच्चे माशरे की तवज्जो के मुस्तक हैं। हम नसाबी सरगर्मियों और सेहतमंद मुकाबले की फिजा से इनकी सलाहियतों को निखारा जा सकता है। कैमरामैन जाय शफी के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42।